हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, बात करेंगे नए शिक्षक भर्ती को लेकर, साथ ही डीएलएड 2019 बैच प्रशिक्षुओं से रिलेटेड कुछ अहम बातें। साथ ही फ्रेंड्स, ई पेपर वाले भैया ने कुछ आर्टिकल पब्लिश किया है, उसके बारे में भी थोड़ी चर्चाएं करी जाएगी। और साथ ही कमेटी को लेकर कहीं ना कहीं डीएलएड प्रशिक्षुओं के मन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में सेपरेट तरीके से जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आ गए हैं तो सबसे पहले आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, आपके लिए ही बेनिफिट्स होगा। आप सभी को इस चैनल पे डीएलएड, टेट, सी टेट प्लस सुपर टेट से रिलेटेड सारे आधिकारिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। साथ ही आपको फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री पीडीएफ, फ्री मॉक टेस्ट आप सभी को इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाता है। चलिए अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन हम सेपरेट तरीके से जानते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, अगर कमेटी के बारे में सबसे पहले बात करी जाए तो आप सभी ने सिंपली जाना होगा कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर, ठीक है, अटकलें अभी तेज हो रही हैं कि भर्ती आएंगी कि नहीं आएंगी। तो सबसे पहले वही बात कर लेते हैं, फिर डीएलएड 2019 बैच के प्रशिक्षुओं के बारे में बात करेंगे कि क्या आप सभी इस भर्ती में शामिल हो सकेंगे या फिर नहीं, और ख़ासकर बैक प्रशिक्षु, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हाल ही में कमेटी का गठन किया गया जिसमें 3 सदस्य का गठन, जिसमें एक जो है सचिव बेसक शिक्षा भी थी, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इसको लेकर जो भी डीएलएड प्रशिक्षु हैं, कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे, और ओनली डीएलएड, जबकि मौका बीएड प्रशिक्षुओं को भी दिया जा रहा है प्राइमरी लेवल पर, और जो भी एमएड कर रहे हैं उनको भी मौका दिया जा सकता है एनसीटी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, है ना। लेकिन यहाँ संघर्ष कौन कर रहा है, तो ओनली डीएलएड प्रशिक्षु और कोई भी आगे नहीं आ रहा है। चलिए, ये तो ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, जब कमेटी की गठन की गई है, अब देखिए छोटी सी आप सभी को एक वीडियो क्लिप में मिल जाएगा, देख लीजिएगा लास्ट में, ठीक है, जो कि डीएलएड प्रशिक्षुओं का है। अब ये कहा जा रहा है, जैसे कि पहले क्या कहा गया था, जैसे जो आपका 69,000 शिक्षक भर्ती है ना, जो आपको 69,000 शिक्षक भर्ती है, जब ये मामला कोर्ट में चल रहा था तो प्रदेशा सरकार यानी कि शासनादेश की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये हलफनामा दिया गया था और ये स्वीकार किया गया था कि बेसिक शिक्षा विभाग में लगभग 51,112 सीटें जो हैं वो खाली हैं। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, लगभग आप देखिए बहुत दिनों से बस यही चल रहा है, सरकार बस ये कह रहा है कि ब्यौरा दीजिए, और कमेटी की भी गठन जो भी गठन की प्रक्रिया है हो गई। लेकिन जब प्रशिक्षुओं को जो है, प्रशिक्षुओं की तरफ से जब पूछा गया, जब अपना ज्ञापन दिया गया बेसिक शिक्षा को, तो फ्रेंड्स उनका ये कहना था कि अभी तो हमको इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। अब आप यहाँ खुद समझ सकते हैं, इतना दिनों से जो कमेटी गठन किया गया था उसका फिर कोई मतलब ही नहीं है। उधर जाओ तो वो बोलते हैं, उधर जाओ तो, मतलब यही बात, अब क्या ही कहा जाए। तो फ्रेंड्स, ये बात तो हो गई कि इतना मेहनत करने के बाद, ठीक है, अपना टेट सीटेट कंप्लीट करने के बाद फिर भी हमें भर्ती के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, ज़मीनी स्तर पर हमें उतरना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गई ये बात। अब देख सकते हैं, इसको लेकर ई पेपर वाले भैया ने कुछ आर्टिकल भी पब्लिश किया था, जैसे कि देख सकते हैं, रिक्त पद तय नहीं, अधर में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं लगभग यहाँ कहा गया है कि देखिए 68,000 में 500 शिक्षक भर्ती के लगभग 22,000 पद पहले ही रिक्त थे, ये तो आप सभी को सिंपली पता है। और बाद में जब कोर्ट में हलफनामा देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये भी स्वीकार किया था कि 51,000 प्लस सीटें खाली हैं। लेकिन अब जो ये रिक्त पदों को लेकर खेल खेला जा रहा है, अब ये शासन को ही पता होगा। अब देख सकते हैं, यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन वही दी गई है जो भी आपको संक्षिप्त तरीके से बताया गया है, ठीक है। और आप सभी को आप देख सकते हैं, यहाँ ये भी कहा गया है कि जो भी आकलन करने की जो 3 सदस्यीय कमेटी गठन की थी, जिसकी रिपोर्ट अब तक नहीं आई है, इधर भर्ती का इंतजार कर रहे डीएलएड प्रशिक्षुओं को जो है चिंता
है कि भर्ती प्रक्रिया में देरी होने से वह जो है आसन मतलब जो विधानसभा चुनाव आचार संहिता में न फंस जाए, क्योंकि आप सभी को पता होनी चाहिए जब आचार संहिता लागू होता है तो फिर नई भर्तियां नहीं आती हैं, ये दिक्कतें हो जाती हैं। तो इसी के लेकर जो है डेलर प्रशिक्षु परेशान है कि क्या है क्या नहीं है, और इसी को लेकर यह आर्टिकल पब्लिश किया गया है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अब ये नई भर्ती को लेकर हो गया ये सारी बातें कि अभी ये अधर में है और कमेटी की तरफ से कोई भी साफ निर्णय नहीं लिया जा रहा है कि कितनी सीटें खाली हैं, क्या हो रहा है विभाग में और प्रक्रिया क्या चल रही है। ठीक है, लेकिन जो भी प्रशिक्षु हैं वो परेशान हो रहे हैं, उससे गवर्नमेंट को शासन को कोई मतलब नहीं है। घूमने दो, स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, प्रशिक्षु हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, यही चल रहा है आजकल। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बात हो गई नए शिक्षक भर्ती को लेकर। अगर हम यहाँ बात करें डीएलएड 2019 बैच के प्रशिक्षु, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो रहे हैं, एक संघर्ष जो डीएलएड प्रशिक्षु वो नई भर्ती के लिए कर रहे हैं, और एक जो डीएलएड प्रशिक्षु यहाँ 2019 बैच की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं उन्हें फर्स्ट सेमेस्टर से ही संघर्ष करना पड़ा है और अभी तक कर ही रहे हैं। इतना देख सकते हैं 2021 आ गया है और अभी तक उनका ओनली 2 सेमेस्टर का रिजल्ट आया है, और उनके हाथों में अभी तक एक भी आप कह सकते हैं ओनली सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट है, बाकी 3 सेमेस्टर का रिजल्ट ही नहीं है। अभी इस बीच प्रमोट भी हुए हैं तब जाके ये हाल है। अब फ्रेंड्स देखिए, कहीं ना कहीं जो भी फ्रेश प्रशिक्षु हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, नई भर्ती में आप बिल्कुल शामिल हो सकेंगे, है ना। लेकिन जो भी बैक प्रशिक्षु हैं, अगर देखिए अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं हम नहीं शामिल हो पाएंगे, तो फ्रेंड्स आप ऐसा मत सोचिए, क्योंकि जिस तरह से ये प्रक्रिया चल रही है नई शिक्षक भर्ती को लेकर और जिस के तहत ये काम किया जा रहा है इतनी धीमी चाल, फ्रेंड्स आप सभी अच्छे से तैयारी करिए। जो भी बैक प्रशिक्षु हैं जिनका भी सेमेस्टर बैक है, आप सभी अच्छे से तैयारी करिए, 100% आप भी इस भर्ती में शामिल होंगे, और ये आप सभी के लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस यही कहेंगे कि आप सभी अच्छे से तैयारी करिए। अगर आपने अभी तक टेट या फिर सीटेट में फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो जो भी बैक प्रशिक्षु हैं अभी आप अप्लाई कर दीजिए। अपेयरिंग में फॉर्म फिलअप करना होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है डीएलएड का या फिर कोई भी मार्कशीट नंबर या फिर कोई भी, आप सभी को टोटल मार्क्स नहीं मांगा जाएगा, वो चाहे फ्रेश प्रशिक्षु हों या फिर जो भी बैक प्रशिक्षु हों, क्योंकि आप सभी को अपेयरिंग में ही फॉर्म फिलअप करना है। अभी तक आप सभी के पास 4 सेमेस्टर का डीएलएड का मार्कशीट नहीं है, तो अदरवाइज आप सभी अपेयरिंग में फिलअप करेंगे। वहीं अगर यहाँ बात आ जाती है सेकेंड सेमेस्टर रिजल्ट को लेकर जो भी बैक प्रशिक्षु हैं, तो आपने देखा आधिकारिक तौर पे जो है उपाध्याय जी ने कहा है कि 22, आज तो ये आपका 22 हो ही गया, उन्होंने कहा 23 तक जो है आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद यही है कि कल 23 देर रात तक आपकी जो रिजल्ट है या फिर हो सकता है इससे पहले ही जारी कर दी जाए, क्योंकि जो फीडिंग की प्रक्रिया है उनका कहना था कि स्टार्ट कर दी गई है। ठीक है, बाकी आप सभी बिल्कुल भी परेशान ना हो और आप सभी अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, आप सभी 100% भर्ती में शामिल होंगे, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप सभी अच्छे से तैयारी करिए। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। नया भर्ती क्या है? शिक्षक भर्ती।